जय श्री महाकाल, जय श्री महांकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि आपको हमेशा अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी हम उपलब्ध करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उसी कड़ी में हम आज बात आपके लिए करने वाले हैं कि आपकी राशि की क्या कमजोरियां हैं जिन पर आपको वर्क करना चाहिए, या कमजोरियां क्या है जिसे आपको जानना चाहिए। आमतौर पर और मोटे तौर पर सभी राशियों में एक समान ही कमजोरियां पाई गई है, लेकिन फिर भी कुछ कमजोरियां हैं। तो हम आज उन सभी कमजोरी की बात करेंगे जो एक आमतौर पर पाई जाती है सभी राशियों के लिए, और आपकी राशि के लिए भी यह लागू होती है। पहली बात है कि दोस्तों, हम मानववादी हैं, सरल हैं, सहज हैं, लोगों की मदद करते हैं। और एक सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपकी राशि के लिए कि किसी का दर्द या दुख देखकर आप सुकून से नहीं रह सकते। वो चीज़ आपको मन में कचोटती है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया या मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। और यही एक कमजोरी है कि इसी सिलसिले में और यही कचोट और यही एक सत्यता आपको कई बार फिजूल के ना आपका लेना देना और समस्या उत्पन्न कर देती। हर बार नहीं, लेकिन अमूमन सीधों के साथ धोखे की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आपके साथ होती है। और ये चीज़ अगर आपके साथ होती है तो बिल्कुल कमेंट्स में आप लिखेंगे, जो भी चीज़ आपके साथ होती है उसे यस या नो या दो नंबर वाली बात, तीसरे नंबर वाली बात, जो भी होती है वो कमेंट्स में आप लिखेंगे और अपना व्यू जरूर देंगे। दूसरी बात, प्यार मोहब्बत में जो धोखा है, वन साइडेड धोखा को मैं इसलिए इंक्लूड करके बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपको अपेक्षा होती है और वो भी होता है बराबर, पर तालमेल में आपके साथ धोखा ये होता है कि ये सब कुछ आपके लिए दिखावटी होता है। मतलब आप बहुत सही हैं, आपकी तरफ से सब कुछ सही, पर सामने वाले पक्ष से ये सब चीज़ दिखावटी होती है। और इस चीज़ का रिफ्लेक्शन कुछ समय बाद, 6 महीने 2 महीने बाद आपको दिखाई देता है, वो प्यार में आपको धोखा मिल ही जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व भी करें क्योंकि थोड़ा लिंक से हटकर बात है लेकिन बहुत परफेक्ट बात है। तीसरी बात है आर्थिकता, आप आर्थिक सपोर्ट के लिए आगे रहते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और कई बार इस वजह से हम आर्थिक रूप से डगमगा जाते हैं और आर्थिकता रूप से ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि समय कभी भी किसी को कहकर नहीं आता है कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा, कभी भी अस्थिरता जीवन में बनी रहती है। इसलिए आर्थिक रूप से जो जो चीज़ आपके पास है उन्हें आप संरक्षित रखें, उन्हें सपोर्टिव रखें, उन्हें आप हमेशा एक सुरक्षा के तौर पर रखें कि कभी भी इन अवस्था में ये सपोर्ट रहेगा और हम इससे बच पाएंगे। क्योंकि जब जो होना है वो तो होकर रहेगा, पर आर्थिक सपोर्ट आज के युग में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मानव में जो विश्वास घट रहा है, पैसे में विश्वास क्यों बढ़ रहा है, पैसे से हम सब खरीद सकते हैं, लोगों का ये विश्वास बढ़ गया और इंसानों पर जो विश्वास है उसकी जो वैल्यू है वो घट गई। एक बहुत बेसिक बात है और बहुत यूनिक बात मैंने आपसे शेयर। तो देखिए दोस्तों, ये जो कमजोरियाँ थी इन पर आपको वर्क करना चाहिए। और मैं सिर्फ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की मैं बुराई करूँ या किसी का अच्छा ही करूँ, जो सही था मैंने आप सभी के लिए ये बात कही है। आप इन पर वर्क करें और आप अपना फ़ायदा करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे और अपनी राय जरूर लिखें और जय श्री महाकाल जरूर लिखें। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।